ओम शांति। तपस्या ही है जीवन की सच्ची सुंदरता, और ऐसी तपस्या करने के लिए आप सभी यहाँ पधारे हैं मधुबन बेहद घर में, जो स्वयं बाबा की चरित्र भूमि है, कर्म भूमि है, ऐसी भूमि जो वरदानी भूमि है, चाहे जो संकल्प कर लो पूरा हो जाता है। तो ऐसी मधुबन धरनी में आप योग तपस्या भट्टी करने के लिए पधारे हैं। कहाँ से पधारे हैं? गाजियाबाद से। कहाँ है गाजियाबाद? तो कहाँ, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटा हुआ है, है ना? तो ऐसे ही समझो कि राजधानी से ही आए हैं। तो एक राजधानी छोड़कर कौन सी राजधानी में पधारे हैं? अध्यात्म की राजधानी में पधारे हैं। तो आप सभी का इस आध्यात्मिक राजधानी मधुबन बेहद घर में बहुत बहुत दिल से स्वागत है, सत्कार है, अभिनंदन है। और बाबा कहते हैं कि ये जो ज्ञान है बाबा का, वो बहुत अच्छी से कौन उठा सकता है? जिनकी बुद्धि व्यापारी बुद्धि है। क्योंकि जो व्यापार करता है ना, तो सिर्फ ऐसे ही अंधाधुंध व्यापार नहीं करता है। व्यापार करते समय देखता है कहाँ नफा है, कहाँ नुकसान है, उन सब बातों को ध्यान में रख कर बिजनेस को आगे बढ़ाता है, तब जाकर वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनता है। तो आप भी क्या करेंगे? हाँ, गाजियाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? औद्योगिक नगर कहते हैं ना उसे। तो ऐसे औद्योगिक नगरी से आप पधारे हैं, तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे? जो बाबा कहते हैं ना व्यापारी बुद्धि, उस रीति से हम बाबा के ज्ञान को इन तीन दिनों में अध्ययन भी करेंगे, और उसके आधार से अपनी चेकिंग करेंगे कि कहाँ नफा है, कहाँ नुकसान है, और उसके अनुसार अपने आप को चेंज करेंगे, तो सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनेंगे आप भी, है ना? तो ऐसे ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए आप सभी को पूर्व में ही बहुत बहुत बधाई। और ये जो भट्टी है, योग तपस्या भट्टी, इसका एम है, इसका थीम है, चलो संपन्नता की ओर। हमें क्या बनना है? संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है। जैसे ब्रह्मा बाप हमारे 33 वर्षों में ही संपन्न और संपूर्ण बन गए, तो कई बार हमारे सामने हम ये नहीं कहकर कि हमें संपन्न और संपूर्ण बनना है, हमारे सामने जो आदर्श है हम उनके लिए कह देते हैं हमें बाप समान बनना है। यूँ तो हम विद्यार्थी हैं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के, और विद्यार्थी होने के नाते लक्ष्य क्या होता है? जो पढ़ाई के विषय हैं उसमें अच्छे से अच्छे अंक लेना। तो 4 सब्जेक्ट है हमारे, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। इन 4 में हमें क्या करना है? अच्छे मार्क्स लेना, माना ही संपन्न और संपूर्ण बनना। लेकिन कई बार हम ये बात न कहकर हम कहते हैं हमें बाप समान बनना है, क्योंकि वो जो 4 विषय हम प्रैक्टिकल में कैसे करें, वो ब्रह्मा बाबा का जीवन हमें सब कुछ बता देता है। और इसलिए हम कहते हैं हमें बाप समान बनना है। तो इन 3-4 दिन की भट्टी में हम बाप समान बनने की जो हमारी पुरुषार्थ है, उसमें बहुत, जिसको कहें ना दिन दुनी रात चौगुनी, इस विधि से छलांग मारें,
तो उसके लिए हमने भट्टी की एक दिनचर्या बनाई है कि जिस दिनचर्या को फॉलो करके हम इस 3-4 दिन में बहुत बहुत आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। तो भट्टी की दिनचर्या में अभी आपको सुनाऊंगी, साथ साथ कुछ विशेष डायरेक्शंस भी होंगे, और उसके बाद 6:15 और 6:30 के बीच में हमारे बीच में पधारेंगे हमारे आदरणीय शीलू दीदी जी, जो भट्टी के लक्ष्य को और विस्तार से आपके सामने स्पष्ट करेंगे। और 7:30 बजे तक उनकी क्लास रहेगी। 7:30 बजे हमारे बीच में आएंगे मधुरवाणी ग्रुप, स्वागत गीत की प्रस्तुति के साथ आपका भव्य स्वागत करेंगे। और उसके बाद हमारे बीच में आएंगे शशि दीदी जी, जो बाबा के घर से आप सभी को मीठा मुख भी कराएंगे और इस भट्टी की सफलता के लिए शुभकामनाएं और प्रेरणाएं भी देंगे। और इसके साथ ही आज का तो प्रोग्राम पूरा हो जाएगा। आने वाले 3 दिन की दिनचर्या कैसी होगी वो मैं अभी आपको सुनाती हूँ। ब्राह्मणों के दिन की शुरुआत कहाँ से होती है? अमृत वेले के साथ होती है। और चूंकि आप सभी भट्टी करने के उद्देश्य से ही आए हैं कि जहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ 2 जिम्मेवारियाँ हैं, भजन और भोजन। भजन माना आत्मा का भोजन और भोजन माना शरीर का भोजन। बाकी कोई जिम्मेवारी आपके पास नहीं है, सारी जिम्मेवारियाँ बाबा के हवाले हैं। सिर्फ ये 2 जिम्मेवारी आपकी है, और इसलिए आप चाहे जितना योग करें बहुत अच्छा। तो अमृत वेले हर एक अपनी अपनी शारीरिक कैपेसिटी के अनुसार, अपने शारीरिक स्वास्थ्य को देखते हुए, चाहे जितना जल्दी उठें उठ सकते हैं, उसकी कोई मनाही नहीं है। लेकिन ऑफिशियली संगठित योग करने के लिए आप सभी को 4 बजे इसी हॉल में पहुंचना होगा। तो 4 से 4:45 हम सब मिलकर अमृत वेला योग करेंगे। तो पहले आप भले ही कितना जल्दी उठे उसकी कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन 4 बजे सभी ने यहाँ पहुंचना है। और जब हम 4 बजे यहाँ योग करें तो हमारा योग क्वालिटी वाला हो, क्वांटिटी वाला नहीं, कि पूरे 45 मिनट्स हम बैठे थे योग में पर क्वालिटी क्या थी। और इसलिए हमने रात्रि में कोई प्रोग्राम नहीं रखा है, ताकि आप रात्रि भोजन करके, समय पर बाबा को गुड नाइट करके, विश्राम के लिए अपने रूम्स में जल्दी पहुँचे और जल्दी बाबा को गुड नाइट करके सो जाएं, ताकि जब सुबह उठे तो बहुत फ्रेश होकर उठे, झुटके की कोई मार्जिन नहीं रहे। तो इन सब बातों का आप जरूर ध्यान रखना जब आप बहुत जल्दी भी उठने का अगर प्रयास करते हैं, कि जो ऑफिशियल दिनचर्या है वहाँ पर झुटके नहीं। हाँ, तो इन सब बातों का ध्यान अवश्य रखेंगे। तो सुबह 4 से 4:45 हम सभी संगठित योग करेंगे, और इसके बाद पुनः आप अपने अपने कमरों में जाएंगे। आने से पहले भी 4 धाम कर सकते हैं, अमृत वेला करने के बाद भी, वो सब आपके ऊपर है, ठीक है। फिर कमरों में जाकर पूरा स्नान आदि करके तैयार होके 6:30 बजे पहुँचेंगे ओम शांति भवन में, जहाँ 6 से 7 बजे तक योग चलेगा, और 7 से 8 बाबा की मुरली सुनेंगे हम सभी, गीत बजेगा, और सभी भाई बहनें जो यहाँ के हैं, मधुबन वाले या सेवाधारी, वे उठ जाएंगे, लेकिन आप सभी को बैठे रहना है। क्योंकि अभी जो मैं आपको दिनचर्या सुना रही हूँ वो एक सामान्य रूपरेखा दे रही हूँ,
स्पीकर कौन होंगे, टॉपिक कौन होंगे, ये सब मैं अभी नहीं बता रही हूँ, एक जनरल रूपरेखा। तो जो प्रतिदिन की दिनचर्या होगी जिसमें स्पीकर, उनका टॉपिक आदि सब बताया जाएगा, वो मुरली क्लास के बाद ही बताया जाएगा। और इसके लिए आप मुरली होने के बाद भी वहाँ बैठे रहेंगे, दिनचर्या सुनने के बाद ही उठेंगे। और फिर वो सुनने के बाद आप नाश्ते के लिए प्रस्थान करेंगे। तो आपका नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात्रि का भोजन, तीनों ही समय के खाने की जो व्यवस्था है, आप सभी की ऊपर वाले डाइनिंग हॉल में है, और इसलिए सभी ने वहीं पर जाना है। हो सकता है किसी को ऊपर चढ़ने में दिक्कत हो, तो लिफ्ट है, किचन जो कॉम्प्लेक्स है हमारा, अंदर की तरफ जाते हैं जहाँ से भोजन ऊपर आता है, वो एक लिफ्ट है, उस लिफ्ट को यूज़ करके भी आप ऊपर नीचे जा सकते हैं अगर सीढ़ियाँ चढ़ने की तकलीफ़ होती है। तो कोई ऐसे रेयर क्षण बन जाता है कि किसी कारण से लिफ्ट में भी जाना इस समय संभव नहीं है, सिर्फ ऐसी ही स्थिति में आप नीचे भोजन करेंगे, वरना आपकी पूरी पूरी व्यवस्था ऊपर वाले डाइनिंग हॉल में है। और आप चूँकि इतना सुंदर लक्ष्य लेकर आते हैं कि हमें भट्टी करनी है, बाप समान बनना है, तो बाप को कितना नाज होता होगा कि मेरे बच्चे कितना सुंदर लक्ष्य लेकर आए हैं। तो ऐसे बाप को बच्चों की खातिरी करने का भी कितना ख्याल होता होगा, है ना? तो आपकी जो स्पेशल खातिरी है वो सिर्फ ऊपर होगी, नीचे नहीं होगी। इसलिए भी ज़रूरी है कि आप तीनों ही समय का जो भोजन है ऊपर ही ग्रहण करेंगे। सिर्फ और सिर्फ कोई ऐसी स्थिति बन जाती है कि मुश्किल है, तभी ही नीचे करेंगे। नाश्ते के साथ भी कई लोगों को चाय आदि की ज़रूरत होती है, तो वो नाश्ते के समय वाली चाय भी आपको वहीं पर मिल जाएगी। बाकी अमृत वेले की चाय, हमारी भट्टी की दिनचर्या में जहाँ पर ब्रेक है उसमें भी चाय की व्यवस्था रखी है। और फिर शाम को जो चाय टोली लेते हैं, तो तीन बार जो अमृत वेले की चाय, ब्रेक के समय की चाय और शाम के चाय टोली वाली चाय, ये सब नीचे वाले डाइनिंग हॉल में, ठीक है? तो तीन समय की चाय नीचे वाले डाइनिंग हॉल में और तीन समय का भोजन ऊपर वाले डाइनिंग हॉल में, क्लियर? तो दिनचर्या ओम शांति भवन में जब आप सुनेंगे, उसके बाद ऊपर नाश्ता करने पहुँचेंगे। नाश्ता करने के बाद आप रिलैक्स रहेंगे, बहुत सुंदर लक्ष्य लेकर आए हैं तो अवश्य समय को बहुत अच्छी से यूटिलाइज़ करना है, कपड़े आदि धोने में उसको यूज़ नहीं करना। बाबा के आंगन में चाहे कहीं भी खड़े हो जाएंगे, आपको रूहानियत की खुशबू का अनुभव होगा। तो नाश्ते के बाद जो थोड़े से मोमेंट होंगे रिलैक्स रहने के, वो इस प्रकार से आप बिताएंगे, बाबा के किसी भी आंगन के किसी भी कोने में खड़े रहो, बैठे रहो, यहाँ की रूहानियत की खुशबू का अनुभव करो। और फिर उसके बाद 9 से 10 बजे का समय हमने रखा है चार धाम की यात्रा करने के लिए, और साथ साथ बाबा को पत्र लिखना। जब नीचे से हम आते थे चार धाम की यात्रा करने, हाँ याद करो कैसे दिक्कत से पहुँचते थे ऊपर, और लाइन लगती थी और चंद क्षणों में वहाँ से बैठकर निकल जाना होता था। लेकिन अब पूरे 3-4 दिन जब यहाँ पर आप हैं, तो ये चारों धाम आपके लिए पूरे खुले हैं। लेकिन जब हम चार धाम शब्द कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उस एक घंटे में मुझे चारों धाम अवश्य जाना है। 3-4 दिन हैं पूरे, चाहे जब भी जिस भी धाम में बैठकर आप अच्छी से गहरी
अनुभूति कर सकते हैं, भागम भागी करने की आवश्यकता नहीं है। फिर और एक बात ध्यान देने की कि चार धाम के अंदर दो धाम बहुत छोटे छोटे हैं, बाबा की कुटिया और बाबा का कमरा, और इसलिए वहाँ घंटों नहीं बैठ सकते हैं। हाँ, अभी देखो आप इतने सारे बैठे हैं, पूरा हाल भर चुका है। और अगर आप सभी को संकल्प आ जाए कि कल 9 से 10 बजे तक हमें बाबा की कुटिया में बैठना है, तो समाएंगे वहाँ पे? नहीं समा सकते हैं। इसलिए बाबा की कुटिया और बाबा का जो कमरा है, यहाँ पर मिनिमम 5 मैक्सिमम 10 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं बैठना है। हमें ध्यान देना है कि हमारे कारण से कोई बाहर क्यू में लंबा खड़ा नहीं रहे, इसलिए मिनिमम 5 और मैक्सिमम 10 मिनट ही आप वहाँ पर अपने बाबा के रूह रिहान के साथ बिताएंगे। और जब बाबा को पत्र लिखने की बात भी हम करते हैं, तो इन दो स्थानों पर बाबा को पत्र बैठकर नहीं लिखेंगे। कारण क्या है? इसके 3 कारण हैं। एक कारण कि समय की लिमिटेशन है कि 5-10 मिनट ही बैठना है, और जब पत्र लिखने बैठते हैं, बाबा के साथ खो जाते हैं, तो समय का अंदाजा तो होता ही नहीं है। नंबर 1 ये कारण कि नहीं लिखेंगे वहाँ बैठ के। नंबर 2 कि जब आप बाबा को पत्र लिखने का संकल्प करते हैं वहाँ बैठकर, तो अपनी जेब टटोलते हैं, अपना बैग टटोलते हैं, पेन निकालना है, कापी निकालना है, और उसमें खड़खड़ खड़खड़ आवाज़ कर देते हैं। तो दूसरे बाकी जो बैठे ही सिर्फ 5-10 मिनट के लिए हैं, तो हमारे कारण से उनको डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, और इसलिए भी वहाँ पर आप बैठकर पत्र नहीं लिखेंगे। नंबर 3, जब आप बाबा को पत्र लिखने बैठते हैं, बाबा के साथ खो जाते हैं, लिखते लिखते खुली पेन कब हाथों से छूट जाती है और कब बिछायत पर निशान बन जाता है, किसी को इसका पता नहीं चलता है, और वो आपको पता है कि वो नीला दाग फिर धोने से भी उतरता नहीं, तो कितनी बेडशीट्स को हम रिजेक्ट करेंगे। हाँ, ब्रह्मा कुमारी स्माना ही स्वच्छ था, दाग धब्बे रहित है ना। तो ये 3 कारण हैं जिस कारण से अब बाबा के कमरे में और कुटिया में बैठकर पत्र नहीं लिखेंगे। आप पहले से ही तैयार रख सकते हैं, बाबा का हिस्ट्री हॉल है, बाबा का शांति स्तंभ है बहुत विशाल, चाहे जितनी भी देर वहाँ बैठो और लिखो। और अगर आपको और कोई स्थान उचित नहीं दिखाई दे रहा है, वहाँ पे भी रश दिख रही है, तो यहाँ पर भी आके बैठकर लिख सकते हैं, हर्जा नहीं है। बाबा के कुटिया के बाहर आंगन है, वहाँ पर भी बैठ के लिख सकते हैं, कोई हर्जा नहीं है, पर भीतर में आपको अटेंशन देना होगा। तो ये था 9 से 10 बाबा को पत्र लिखना है और 4 धामों की यात्रा करना है। अब कई बार प्रश्न आता है, हर बार हम पत्र में लिखे तो क्या लिखें बाबा को, क्योंकि यहाँ से हम अनाउंसमेंट करेंगे कि 4 धाम करना है, बाबा को पत्र लिखना है, तो प्रश्न आएगा मैं क्या लिखूं बाबा को बार बार पत्र, है ना। 4 धाम तो समझ में आ गया, पत्र में क्या लिखूं मैं बार बार। तो क्या लिखेंगे पत्र में बार बार? कि यहाँ पर जो क्लासेस चलेगी, यहाँ पे जो भी क्लासेस चलेगी वो कोई भी नई नहीं होगी, आपने जो ज्ञान सुन रखा है उसी में से कुछ होगा। कोरोना काल में तो ऑनलाइन सेवाएं शुरू होने के कारण ज्ञान तो भी सभी के पास भरपूर हो गया है ना। तो यहाँ पर फिर क्या होगा? नया तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि वैसे भी हम कहाँ पहुँच रहे हैं, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, और जब भी एग्ज़ाम नज़दीक होती है, टीचर उससे पहले पढ़ाई पढ़ाना सिलेबस पूरा कर लेता है, और बाबा ने कर दिया है ना सिलेबस, जो भी पढ़ाना था बाबा को
बाबा पढ़ा चुके हैं, अभी तो सिर्फ क्या चल रही है, रिवीजन चल रही है। तो इसलिए यहाँ पर भी जो भी क्लासेस होगी वो सारा आपने जो सुन रखा है उसमें से ही कोई रिवीजन होगी। लेकिन यहाँ पर विशेषता क्या रहेगी कि भले ही हमने इसके पहले बहुत सारी क्लासेस ज्ञान आदि सुन रखा है, लेकिन शायद सुनने के बाद उसको तिजोरी में पैक करके कभी उस पर एनालिसिस नहीं किया होगा कि ये बात जो है वो मेरे अंदर कितनी है, मेरे प्रैक्टिकल जीवन में है या नहीं, उसके लिए मुझे क्या पुरुषार्थ करना, ये इस पर ज़्यादा हमने सोच नहीं चलाया, सिर्फ सुना और ज्ञान का भंडार भरपूर किया। लेकिन अब यहाँ क्या करना है, एक एक क्लास सुनकर फिर उसको अपने आप से लगाना है कि ये बातें किस परसेंट में मेरे जीवन में है और कितना अभी भी बाकी मुझे जीवन में लाना बाकी है। तो वो चेकिंग करने के बाद फिर चेंज करने का जो दृढ़ संकल्प करेंगे वही तो बाबा को देंगे ना, और क्या करेंगे। चेकिंग में जो कमी महसूस करेंगे वो भी तो बाबा को देनी होगी ना कि बाबा ये बातें, मैं आपका इतने वर्ष का बच्चा हो गया हूँ बावजूद इसके अभी भी मेरे में ये बातें हैं, आज मैंने इसे रियलाइज़ किया है, दृढ़ संकल्प करता हूँ आपकी मदद से इसमें पास होना है ना। तो ये जो प्रश्न आता है कि बाबा को क्या लिखे, बाबा को क्या लिखे, क्लियर हुआ। तो ये सब करेंगे, हर क्लास में अपनी चेकिंग करते जाएंगे, और ये चेकिंग के लिए भी हमने आपको बहुत सारा समय दिया हुआ है कि आपकी दिनचर्या, जैसे कहा ना कि अमृत वेले से शुरू होगी 4 से 4:45 योग, फिर ओम शांति भवन में 6:30 से 7 योग, 7 से 8 मुरली, फिर नाश्ता, फिर रिलैक्स, फिर 9 से 10 चार धाम की यात्रा और बाबा को पत्र लिखना, और 10 बजे आप यहाँ पहुँचेंगे मेडिटेशन हॉल में। सुबह में 10 से 1 और शाम में 5 से 8। सुबह भी 3 घंटे और शाम को भी 3 घंटे आपके इसी मेडिटेशन हॉल के लिए होंगे। तो सुबह 3 घंटों में हम क्या करेंगे, 10 से 10:30 संगठित योग चलेगा, फिर 10:30 से 11:30 एक क्लास होगी, और फिर 11:30 से 12 ब्रेक होगा कि जिसमें आप चाय पानी स्ट्रेचिंग आदि जो भी करना है कर सकते हैं, और फिर 12 से 1 दूसरी क्लास होगी। तो इस प्रकार से 3 घंटे हमारे सुबह के यूज़ हो जाएंगे, आधा घंटा योग, आधा घंटा ब्रेक हो गया 1 घंटा, और 1-1 घंटे की 2 क्लासेस, टोटल 3 घंटे। कल चूंकि पहला दिन होगा इसका 3 दिन की दिनचर्या का, तो एक फोटो सेशन भी होगा। तो जो ब्रेक का समय होगा उसमें हम पहले चाय पानी की तरफ न जाकर ओम शांति भवन की सीढ़ियों की तरफ जाएंगे, वहाँ एकत्रित होंगे, और फिर हमारा ग्रुप फोटो होगा, और वहाँ से आने के बाद आप चाय पानी के लिए किचन की ओर जाएंगे, और थोड़ा सा चूँकि दो दो काम हो जाएंगे तो शायद 12 तक हम ना भी पहुँच पाए, लेकिन लक्ष्य रखेंगे 12:05, 12:10 तक पहुँच जाएंगे ताकि हम दूसरी क्लास जल्दी आरंभ करें। जितना लेट करेंगे उतनी लेट क्लास होगी, फिर वो आगे की रूटीन में उसका इफ़ेक्ट आ जाता है। तो इसलिए तो इन जनरल ये याद रखना है कि सुबह 10 से 1, ठीक है, और फिर शाम को जैसे 1 बजे तो फिर आप भोजन करने के लिए जाएंगे, भोजन करके विश्राम करेंगे, और विश्राम के बाद पुनः तैयार होके शाम की चाय टोली लेकर 4:30 से 5 का समय पुनः चार धाम की यात्रा के लिए रखा है, और 5 बजे इसी हॉल में आपको
पहुंचना है। तो सुबह में 9 से 10 चार धाम रखा है और 10 से 10:30 योग, 1.5 घंटा पूरा। और शाम को क्या क्या है? शाम को 4:30 से 5 आधा घंटा के लिए चार धाम दिया है और पूरा 5 से 6 एक घंटा संगठित योग और बाप दादा की ड्रिल। तो ये जो आप यहाँ बैठकर योग करेंगे, आपको पूरा इंट्रोस्पेक्शन करने का समय है कि जो आप सुन रहे हैं बाबा का ज्ञान, और फिर उसके अनुसार अपने अंदर झांक के कितना ज्ञान बाबा का अभी हमने जीवन में उतारा है और कितना अभी बाकी है, और उसके अनुसार अपने में क्या चेंज लाना है, बाबा के सामने क्या प्रॉमिस करनी है, ये सारा इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए आपको ये एकांत का समय दिया है। सुबह आधा घंटा और शाम को 1 घंटा। कोई कमेंट्री कराने नहीं आएगा, लेकिन हाँ, बहनें योग जरूर कंडक्ट करेंगी और यहाँ से म्यूज़िक प्लस बाप दादा की ड्रिल, बीच बीच में पॉज, इस प्रकार से आपको एकांत का समय मिलेगा। तो इस एकांत के समय को सही यूटिलाइज़ करना, ऐसे नहीं सोचना है वो तो गीत ही तो बजने वाले हैं ना, आराम से जाता हूँ, नहीं। ये आपको अपनी चेकिंग के लिए समय दिया जा रहा है कि एकांत में बैठो, क्योंकि भट्टी करना माना ही एकांत प्रिय बनना, भट्टी करना माना ही एकाग्र चित्त रहना। उसके लिए आपको समय दिया है। जितना इंट्रोस्पेक्शन करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, और उसके लिए ही एकांत प्रिय बनना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो शाम को 5 से 6 एक घंटा योग करेंगे और 6 से 7 एक क्लास होगी और फिर 7 से 7:30 योग चलेगा, तो हो जाएंगे 7:30। 7:30 के बाद क्या होगा? आपके 3 ही दिन होते हैं सुबह से रात तक। आज तो पहला दिन हो गया, अगले 3 दिन की दिनचर्या की हम बात कर रहे हैं। तो एक दिन रहती है सौगात, एक दिन रहता है स्पेशल ब्रह्मा भोजन, और एक दिन रहता है अनुभव के लेन देन। तो 7:30 तक ही आपको योग की मार्जिन रहती है, इसलिए कृपा करके 5 से 6 वाले टाइम को यूं ही नहीं गवाना कि अभी तो 8 बजे तक तो बैठना है, परंतु योग की मार्जिन सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 और 7 से 7:30। और कई बार तो स्पीकर थोड़ा लंबा भी करता है तो वो भी योग का समय कम हो जाता है, क्योंकि स्पीकर को अपने टॉपिक के अनुसार 5-10 मिनट कभी कभी एक्स्ट्रा लग जाते हैं। इसलिए 5 से 6 वाले टाइम को आप यूं ही, ये तो चलता रहेगा, ऐसा नहीं करना, उसको बहुत इम्पोर्टेंस अवश्य देना। तो 7:30 बजे जिस दिन जो होगा वो हम आपको बता दें। डेफिनेटली अनुभव की लेन देन तो आखिरी दिन ही होगी, और बुधवार का दिन लगभग फिक्स होता है ब्रह्मा भोजन स्पेशल का, और एक दिन जैसे कल सौगात होगी, लेकिन कभी कभी वो जो हमारे सौगात देने वाले भाई बहनें होते हैं वो कभी दिन में कभी शाम में, तो इसीलिए वो हम पूरा दिनचर्या जो है वो मुरली क्लास के बाद ही आपको बताएंगे, अभी आपको सिर्फ जनरल बता रहे हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 3 दिन की दिनचर्या क्लियर हुई आपको। सुबह 4 से 4:45 इसी हॉल में, 10 से 1 भी इसी हॉल में, और 5 से 8 भी इसी हॉल में, ठीक है। और बाकी समय उसके बाद, भोजन के बाद हमने कोई क्लास नहीं रखी है, ताकि आप थोड़ा समय रिलैक्स भी रहें और फिर समय पर बाबा को गुड नाइट करके अपने अपने कमरों में जाकर विश्राम करें, क्योंकि ठंडी के दिन है, तैयार होने में ही, स्वेटर आदि पहनने में ही कितना समय लगता है ना, फिर रजाई ओढ़ना, उसको लपेटना, बहुत समय लग जाता है ठंडी में। और इन सब बातों को ध्यान में रखकर आप भट्टी का पूरा पूरा लाभ लें। ऐसे नहीं कि सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान सुन रहे हैं और योग का समय नहीं,
तो इस प्रकार से आपका टाइम टेबल रखा गया है। तो ज्ञान की आंधी को चलने दो और योग की अग्नि को तपने दो। ये दो काम होंगे तो अवश्य ही जो हमारे पुराने से पुराने संस्कार हैं कि जिन पर हमने बहुत मेहनत भी की होगी लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, या बाबा जो कहते हैं 63 जन्मों का बोझा सिर पर है और वो बोझा ही योग में उड़ने नहीं देता है, लेकिन अगर हम इस यहाँ पर लक्ष्य रखेंगे कि ज्ञान की आंधी चलने देंगे और योग की अग्नि को तपा कर रखेंगे तो परिवर्तन अवश्य होगा, आत्मा का शुद्धिकरण अवश्य होगा। सोने को भी गलाने के लिए हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर सोने के लिए तो हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है और आत्मा को हाई क्वालिटी वाइब्रेशन की ज़रूरत होती है। हम क्यों आते हैं मधुबन में भट्टी करने? क्योंकि यहाँ की वाइब्रेशन हाई क्वालिटी की है जो हमें याद में योग में रहने में मदद करती है। तो चार धाम तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन जब यहाँ बैठकर योग करेंगे तो पांचवा धाम परम धाम वहाँ पर भी जाएंगे, क्योंकि सबसे हाई क्वालिटी के वाइब्रेशन अगर कहीं है तो वो है परम धाम में, क्योंकि परमात्मा शिव बाबा की उपस्थिति वहाँ पर अखंड रूप से है। न सिर्फ इतना, वहाँ पर कोई भी मैली आत्मा नहीं है, वहाँ कोई भी दैहिक एक्टिविटीज़ नहीं है, और इसलिए वहाँ का वाइब्रेशन बहुत बहुत हाई क्वालिटी का, सुप्रीम क्वालिटी का है। तो जब हम यहाँ बैठकर योग करें, उस परम धाम में चले जाएं, तो जैसे सोने को हाई टेम्परेचर तक गर्म करके उसकी अशुद्धियों को निकाला जाता है, ऐसे हम अपने आप को योग की अग्नि में तपाएंगे, उस परम धाम में बिठाएंगे स्वयं को, तो अवश्य ही उस हाई वाइब्रेशन की मदद से हमारी अशुद्धियाँ गलेगी, हमारा विकर्मों का खाता दग्ध होगा और हम शुद्ध हो जाएंगे। और जब शुद्ध होता है सोना तो क्या होता है? पारदर्शी हो जाता है। उसमें अपनी शक्ल देखेंगे तो शक्ल दिखाई देती है, ऐसे कहते हैं। तो हम भी जब प्योर बन जाएंगे, आत्मा प्योर बन जाएगी, तो हम में अगर कोई झांकेगा तो कौन दिखाई देगा? बाबा दिखाई देगा, क्योंकि दोनों ही बिंदु हैं, मैं भी बिंदु वो भी बिंदु, और अगर मैं बहुत प्योर हो गई तो उस बिंदु पिता परमात्मा के दर्शन, और बाबा तो यही चाहता है हम सभी से कि आपके चेहरे और चलन से बाप को प्रत्यक्ष करना है। वाणी का रोल तो बहुत हो गया, अभी मनसा द्वारा हमारी सेवा चलनी चाहिए। तो जब आत्मा प्योर हो जाएगी तो अपने आप वो लाइट हाउस माइट हाउस का कार्य करेंगी, और हम नहीं भी बोलेंगे कि मेरी किरणें इधर जा रही उधर जा रही, उसने अपने आप जाना ही है, जिसको हम कहते हैं ज्वालामुखी योग, कि वो आत्मा जब शुद्ध हो जाएगी उसकी किरणें इस मुख रूपी पर्दे को भी भेद कर बाहर आएगी। इसको ही कहेंगे ज्वालामुखी योग की, ऐसी योग की क्वालिटी कि आत्मा का प्रकाश इतना प्रखर हो जाए कि इस मुख को भी भेद कर बाहर फैलता रहे, तब कहेंगे हमारा योग क्या था? ज्वालामुखी योग। आज सभी हर एक यही चाहते हैं कि जो अध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं उनके चेहरों को देखते ही वो एहसास होने लगे कि ये तो कोई पर्सन डिवाइन लग रहा है।
तो ऐसी भट्टी हम 3-4 दिन की यहाँ पर करेंगे, अवश्य हम संपन्नता की ओर बढ़ेंगे, ब्रह्मा बाप समान बनेंगे। तो उसके लिए फिर हमें 3 बातों का ध्यान रखना होगा, 3 मौन का। पहला, मुख का मौन। मुख का मौन माना मुख से बोलना नहीं। अब 24 घंटा नहीं बोले ये तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए ध्यान क्या रखेंगे, जितना जरूरी है सिर्फ उतना ही बोलेंगे, या दूसरे शब्दों में कहें तो कम से कम बोलेंगे। कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो, या दूसरे शब्दों में और अगर कहें तो यहाँ पर इन 3-4 दिनों में आप फरिश्ते के रीति से रहेंगे, आपकी हर गतिविधि, उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना, सोना जागना, मिलना जुलना, जो भी होगा एक फरिश्ते के अंदाज में होगा, क्योंकि ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। तो मधुबन घर आप लोगों के आने से श्रृंगारित हो जाता है, बच्चे बाप के घर के श्रृंगार होते हैं, तो अवश्य ही आपके आने से मधुबन का घर श्रृंगारित तो हो ही जाता है, लेकिन आपकी हर एक्टिविटी ऐसी हो जो सबको लगे बाबा के फरिश्ते घूम रहे हैं यहाँ पर, श्वेत वस्त्रधारी और चेहरे से भी वो बाबा की किरणें बिखेरने वाले श्वेत वस्त्रधारी फरिश्तों से ये घर भरा हुआ है, ऐसा सबको फीलिंग आनी चाहिए और इसके लिए अवश्य ध्यान देंगे। तो कई बार तो हम देखते हैं कि क्लास के समय तो अवश्य ही चुप रहते हैं, लेकिन जैसे ही क्लास पूरी होती है तुरंत आवाज़ में आते हैं, और कई बार चलो वहाँ पे भी अटेंशन रख लिया, गेट से जैसे ही बाहर होते हैं फिर आवाज़ में आ जाते हैं, लेकिन नहीं, इस कॉम्प्लेक्स में, सिर्फ इस क्लास में नहीं, जब तक आप इस कॉम्प्लेक्स में हैं, मधुबन परिसर में हैं, आपको फरिश्ते अंदाज में अपना 3-4 दिन बिताना होगा, तब सही में भट्टी सफल होती है, परिवर्तन होता है। तो ये करेंगे मुख का मौन। दूसरा है मन का मौन। अब मन का मौन क्या होता है, क्या होता है मन का मौन? मन का मौन मतलब अंतर्मुखी हो जाना, और अंतर्मुखी हो जाना का मतलब क्या होता है? हाँ, मैं यहाँ बैठी हूँ, सपोज ये मेरा घर है जहाँ मैं बैठी हूँ, और ये सामने वाला हिस्सा जो है ये मेरे घर का दरवाज़ा है, या बालकनी है, या गैलरी है, या दहलीज है, और इस दरवाजे के इस पार बाहर की दुनिया है, ठीक है? अब बच्चे क्या करते हैं, घर में ज़्यादा बैठते हैं या गैलरी में ज़्यादा खड़ा होते हैं? हाँ, घर से निकल निकल कर दरवाजे में, गैलरी में, बालकनी में आके खड़े हो जाते हैं, और फिर क्या करते हैं, बाहर की दुनिया को झांकते रहते हैं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, फिर उनसे बातें करेंगे, उनको देखेंगे, उनको सुनेंगे। तो भीतर में जो माँ बाप या और जो भी बैठे हैं आवाज़ देंगे, बच्चे को सुनाई पड़ेगा? हाँ, बच्चे को कुछ कह रहे, बच्चे को सुनाई देगा? बच्चे को उनकी सूरत दिखाई देगी? उनके साथ कम्युनिकेशन चलेगा? नहीं। तो हमें भी, हम भी यही करते हैं, ये 5 इंद्रियों के माध्यम से मन क्या करता है, बाहर ही झांकता रहता है। तो ये इंद्रियां हमारी गैलरी है, कि मन बुद्धि वहां पर गैलरी पे आ जाती है, इसके साथ बात करेंगे, उसका सुनेंगे, ये खाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे। तो हम भी क्या करते हैं, सारा दिन
बालकनी में रहते हैं, और बालकनी में रहने से अंदर घर के अंदर जो आत्मा विराजमान है, कहते हैं ना अंतरात्मा की आवाज़ सुनो, कहते हैं ना वो अंतरात्मा जो आवाज़ देगी सुनाई पड़ेगा। उस अंतरात्मा के दर्शन कर सकेंगे, उसके साथ कम्युनिकेशन होगा नहीं होगा। तो अंतर्मुखी होने का सिंपल मीनिंग है गैलरी में खड़े होकर मुख जो बाहर की दुनिया की तरफ था, अब उसको यूं टर्न कर लो अंदर की तरफ, अंदर आत्मा का दर्शन करो, अंतर आत्मा की आवाज़ सुनो, सेल्फ टॉक करो। सेल्फ टॉक करते करते उस सुप्रीम के साथ कनेक्ट होके उसके साथ टॉक करो, सेल्फ एनालिसिस करो, सेल्फ सिंथेसिस करो, सेल्फ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आओ। ये है अंतर्मुखता, ये है मन का मौन। तो इस मन के मौन का अटेंशन रखेंगे। और तीसरा है मोबाइल का मौन। कौन कौन है जो ये संकल्प करके आए हैं कि हम इन 3-4 दिनों की भट्टी में मोबाइल टच नहीं करने वाले हैं? 1, 2, 3, 4, धीरे धीरे हाथ उठ रहे हैं, धीरे धीरे उठ रहे हाथ। तो आप सभी को बहुत बहुत शाबाशी, बहुत बहुत बधाइयाँ। भट्टी करने आए हैं ना, तो अगर मोबाइल का मौन नहीं रखेंगे तो जितनी सफलता चाहिए उतनी सफलता नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा मोबाइल को यूज़ करेंगे माना उतना ज़्यादा हम बाहर मुखी रहेंगे, और भट्टी माना ही अंतर्मुखता की गुफा में चले जाना। तो जिन्होंने ये संकल्प नहीं किया है, अवश्य ही वे समझते होंगे कुछ हमारी जिम्मेवारियाँ है जो हमें फ़ोन से कम्युनिकेट करना होगा। तो सिर्फ और सिर्फ उस जिम्मेवारी के लिए ही उस फ़ोन का यूज़ करेंगे। फालतू इधर उधर यहाँ वहाँ का मधुबन में भट्टी चल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे सब चीज़ों के लिए उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। और जब इस्तेमाल करेंगे भी अपनी जिम्मेवारी को पूर्ण करने के लिए, दीदी हमारे बीच में पहुँच चुके हैं, तो क्लास के समय नहीं यूज़ करेंगे। क्लास के समय बिल्कुल भी आपके मोबाइल नहीं बजेंगे। जो अभी इस स्वागत सत्र में हमने बहुत सारी ट्यून सुन ली, हाँ, तो अभी के बाद किसी का भी मोबाइल नहीं बजेगा। और जैसे कहा भाई जी ने कि कभी कभी ट्रैफिक कंट्रोल आपके मोबाइल में सेट रहता है, उसको भी स्विच ऑफ कर देंगे। वही मैं कह रही हूँ, उसको भी स्विच ऑफ करके रखेंगे, क्योंकि ये बेहद का घर है, बेहद की व्यवस्था है। आपका कोई ट्रैफिक कंट्रोल मिस नहीं होगा, चाहे किसी भी कोने में खड़े रहो आपको मिल जाएगा। तो ट्रैफिक कंट्रोल भी स्विच ऑफ करेंगे, और क्लास के समय तो आपका मोबाइल बंद होना चाहिए, साइलेंट पे रहे, वाइब्रेटिंग मोड पे भी नहीं रहे। इवन 4 धामों में भी आपका मोबाइल नहीं बजना चाहिए। इन सब बातों का अटेंशन रखेंगे, तब कहीं जाकर न सिर्फ आपकी भट्टी सफल होगी लेकिन मधुबन का भी रिमार्क मिलेगा, ये सचमुच फरिश्ते थे। ठीक है ना? तो इसी के साथ अब मैं यहाँ वाणी को विराम देती हूँ और दीदी को आमंत्रित करती हूँ स्टेज पे आकर। हाँ, आप आ जाइए स्टेज पर। दीदी कह रही हैं जो टीचर्स बहने हैं वो इधर के सोफे पर आ जाइए। वैसे वे सामने ही बैठे हैं दीदी, लेकिन हाँ, तो टीचर बहने इधर आके बैठ जाएं, और जो नीचे बैठ सकते हैं वो नीचे बैठेंगे, और ये वाला हिस्सा भाइयों के लिए छोड़ देंगे। ये 2 सोफे भाइयों के लिए, क्योंकि इस तरफ भाई हैं और इस तरफ बहन। पर मुझे लगता है दीदी इस ग्रुप में भाई बहुत कम हैं, बहनें ही ज़्यादा हैं। तो भाई इस तरफ बैठेंगे, बहनें उस तरफ हैं। अभी भी बाकी है आना।
175 सभी पहुंच गए हैं, सभी पहुंच गए हैं। ये मेडिटेशन हॉल इतना अच्छा है कि जहां आपको एक क्लोजनेस की एहसास मिलता है। जब डायमंड हॉल में चले जाओ तो भी दूरी महसूस होती है, स्टेज में जो स्पीकर बैठा है उससे आपको दूरी, लेकिन मेडिटेशन हॉल एक ऐसा है कि जहां बहुत क्लोज फील कर सकते हैं स्पीकर के बहुत समीप। तो ये चांस है, जो बैठ सकते हैं नीचे वो नीचे बैठेंगे, एक घरेलू वातावरण।